भारत सरकार पण कोरोना वायरस ना नवा स्वरूप ने लईने सतर्क बनी छे। वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी ए स्थिति नी समीक्षा करी छे। आ पहला ज्यारे तेओ शियाळु सत्र मां भाग लेवा संसद पहोंच्या हता त्यारे तेओ मास्क मां जोवा मळ्या हता। तेमना सिवाय राज्यसभा ना अध्यक्ष अने लोकसभा ना अध्यक्ष पण मास्क पहेरेला जोवा मळ्या हता। आ स्थिति थी अनुमान लगावी शकाय छे के भारत मां पण मास्क पहेरवाना जूना दिवसो पाछा आवी शके छे। गुरुवारे संसदना बन्ने गृहोमां बन्ने स्पीकर मास्कमां जोवा मळ्या हता। सिवा लोकसभा स्पीकर ओम बिरलाए पण सांसदोने सावचेत रहेवा अने लोकोने सावचेत रहेवा माटे अपील करी हती। मेरा मानना है हम जब कोविड का एक कहर देख चुके हैं उसके बाद किसी तर्क वितर्क राजनीति में नहीं जाना चाहिए। धन्यवाद है केंद्र सरकार को, स्वास्थ्य मंत्री जी ने कल ही इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया और प्रधानमंत्री जी आज उच्च स्तरीय मीटिंग ले रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में किसी पार्टी को अपने व्यक्तिगत ना लेके देश की सुरक्षा की बात सोचनी चाहिए। क्या मास्क पार्लियामेंट में अनिवार्य कर दिया है बिना मास्क के? हाँ, अंदर बैठने के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। कि चीन में अगर आप वैक्सीनेशन का दर देखो तो उन्होंने इतनी वैक्सीन लगाई थी कि उनकी जो जनसंख्या है उससे 22% ज्यादा उन्होंने वैक्सीनेशन लगाई है। 122% इज देयर वैक्सीनेशन रेट। और उसके बाद भी जिस तरह के चलचित्र चीन से आ रहे हैं कि अस्पताल बिल्कुल ओवरवेल्म्ड हैं, वहाँ पे मॉर्चुरीज में लोगों को जगह नहीं मिल रही है और परिस्थिति खराब है, तो ये एक बहुत गंभीर और चिंता का विषय है और हम लोगों को इसके ऊपर बहुत मुस्तैद रहने की जरूरत है।